Hey guys, welcome back to the new episode. कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे। गाइज आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मैं आपको वेट कर रहा था पिछले काफी 15-20 दिन से। मैं आपको बार बार एक दो व्लॉग्स में मैंने बोला कि हम भाई कुछ नई चीज आने वाली है, कुछ स्पेशल चीज आने वाली है गाइज। तो फाइनली जो है आज वो चीज आ गई है, ये चेक कर पा रहे होंगे भाई। मैंने ले ली है अपनी न्यू चेयर, इसका वेट कर रहा था मैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये तो आई है। इसके साथ में एक और चीज और आ रही है जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसकी डिलीवरी की बात होती है। तो आज हम डिलीवरी लेने वाले हैं। क्या कौन सी बाइक है, कौन सा स्कूटर है, कौन सी सुपर बाइक है, कौन सी गाड़ी है, अभी आप कमेंट कर सकते हो। तो बताओ, तो गैस करो पहले, एकदम चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से बताना। वीडियो आगे जाके देख के तब कमेंट नहीं करना, ईमानदारी से कमेंट करो। अगर आप अभी गैस कर सकते हो तो भाई बताओ कौन सी गाड़ी है, ठीक है। और भाई ये ना, ये वाला जो कलेक्शन है ये मेरे कलेक्शन में सबसे यूनिक होने वाला है। जितनी भी बाइक्स हैं ऐसी कोई नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली रूम से और चेक कर पा रहे हैं भाई साहब ट्रैफिक क्या ही मिल रहा है। भाई साहब आज तो मजा आने वाला है गाइस, जैसी चीज आने वाली है ना आज आपको देख के मजा आ जाएगा, आपको भी आएगा मुझे भी आएगा, सच में मुझे तो बहुत आने वाला है। अभी ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज चुके हैं भाई। 3 बजे मुझे फोन आया था कि आपकी गाड़ी रेडी है डिलीवर होने के लिए। ये लो जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या लेने वाले हैं आज। ये भाई अपनी गाड़ी, ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए। और अभी क्या है ना, ईवी चलेगी बाइकों के साथ। तो भाई ये हेलमेट मिला इसके साथ में, 600-700 रुपए बच गए अपने। ये स्टील बड़े का हेलमेट है, वैसे लगने वाला था नहीं क्योंकि व्लॉग वगैरह करने पड़ेंगे तो फिर तो उसमें कैमरा वगैरह का जुगाड़ से चोरी देखना पड़ेगा नॉर्मल चलने के लिए। बाकी ये एयरपोर्ट पड़े किसी के, ये भी फ्री में मिलेंगे 1+ के। रख ले जेब में, रख ले किसी का भी रख ले। ये हेलमेट मिला है साथ में और एक गिफ्ट मिला तुम्हारी तरफ से। अच्छा ले लीजिए। ये मेरा अब अगर नहीं लेके गए आप बता रहे, अच्छा नहीं होगा अगर लेके नहीं गए। भाई मजाक कर रहा हूँ, गिफ्ट नहीं है। तो भाई फाइनली ये अपनी ओला और अभी इसकी लेने वाले डिलीवरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चेक कर खब्बे हाथ रोली, चेक कर चेक कर गब्बरू दी बोली, चेक कर। ये लड्डू मुंह चबाने का भी जगह नहीं मिल रहा है। अरे बोल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पानी ला पानी। I'm okay. हेलो भैया, फाइनली आदि नहीं भाई देखो, अबे कौन सा ओ भाई क्या मजा दिए यार ये। अबे ये वॉल्यूम कम भाई साहब ऐसी डिलीवरी कौन देता मैं बंद कर ले भाई, मैं वॉल्यूम घटा रहा हूँ फिर बढ़ जा रहा है, फिर घटा रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे वाला फोन था ना, अभी आप इधर तक आए, फैमिली वाला आ रहा था तभी बोला है। ये प्लान किसी और के लिए होता, मेरे बदला लिया जाएगा, तगड़े वाला बदला लिया जाएगा, कभी तगड़े वाला नैले पे धैला। तो गाइस फाइनली अपनी ओला S1 Pro इज हियर एंड अभी जो है ड्यूक को यहीं पे छोड़ते हैं। साला ये भी ईवी की तरह साउंड कर दिया ना, रेस किया जाए, हम लोग दो हैं। तो गाइस आ चुके हैं अभी हम लोग घर, अभी पूजा वूजा कराएंगे भाई फिर निकलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर पूजा करवाने, अभी पंडित जी को बुलाते फिर पूजा वूजा करवाते। गाइस अभी 4 लोग बैठे ओला में। ओहो छून से भाग रही इसकी मां का। A few moments later. अरे चाचा रुक जाओ,
करा पान खाया होगा नहीं तो होय होय करता। मोड स्विच नहीं कर रहा गाइस, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो कह रहा रिड्यूस परफॉर्मेंस, पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस घटा रहा है इसकी। शायद हम लोग तीन बैठे हो इसलिए शायद हीट हो गई होगी भाई मोटर या फिर बैटरी। मोटर पक्का हीट हुई होगी इसलिए इसका एआई ना परफॉर्मेंस मेरी घटा दे रहा है, नॉर्मल मोड में कर दे रहा भाई। अब नॉर्मल में टट्टी चल रही है यार, ये तो तीन पे लोड दे रही है भाई। पेट्रोल के इंजन बेस्ट है, तीन बैठाओ चार बैठाओ भागेगा ही भागेगा। चल भी तो रहे हैं स्पीड में। हाँ स्पीड में चल रहे हैं, तीन बैठे हुए हैं। वैसे हाइपर मोड दिया किस लिए, स्पीड के लिए ना दिया है गाइस। ये चेक करो इसके कुछ फीचर काम करना बंद कर दिए अभी, जस्ट नहीं निकल के आई है यार। देखो एक तो ये ना रीजनरेशन इसका बंद हो गया, पता नहीं क्यों खत्म हो गया, मतलब बैटरी चार्ज नहीं करेगा। फोर्स भी कर रहा हूँ देखो कुछ नहीं हो रहा भाई, इसको एक बार रिबूट करके देखना पड़ेगा। मोड भी इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने ना इस पे 35 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली और मुझे एक दो फॉल्ट इसमें दिखे। फॉल्ट नहीं था एक्चुअली, वो इसका फीचर हो सकता है। एक्चुअली हम लोग तीन बैठे हुए थे और तीन बैठ के मैंने हाइपर मोड में इसको खूब रेस राइड की है पूरा, जिसमें कि अभी आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज ना 45% रह गई है भाई 100% से। ठीक है तो बैटरी परसेंटेज तो बहुत जल्दी गई है। तो इसमें बदलाव किया गया था ना, क्या क्या चीज़ इसमें प्रॉब्लम दिखने लगी थी मुझे, इसके मोड चेंज नहीं हो रहे थे, अपने आप वो नॉर्मल मोड में आ गया था। स्पोर्ट हाइपर डाल रहा हूँ, कोई भी मोड चेंज नहीं हो रहा था गाइस। और जो ना रीजनरेशन भी ख़राब हो गया था, जैसे अभी ना देखो अभी चार्ज हो रहा है, रीजनरेशन काम कर रहा है, ना तो फोर्सफुली काम कर रहा था ना नॉर्मल काम कर रहा था। एक बार रिबूट मतलब रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट किया, देन उसके बाद ये प्रॉपर काम करने लगा। तो मुझे लगा शायद ओवरहीट हो गया होगा मोटर, इस वजह से वो जो भी इसके अंदर फीचर दिया होगा कि भैया ऑलरेडी हाइपर मोड से वो नॉर्मल मोड में आ जाएगी, जिससे कि स्कूटर चलता रहे आप रुके ना और कोई इम्पैक्ट ना है मोटर पे। होए 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 होए, बाकी सब बढ़िया है। पार्टी मोड चेक किए, एक नंबर मजा आ रहा था। बाकी जो है डिटेल रिव्यू आपको मिलेगा इसका 10-15 दिन बाद, मैं थोड़ा राइड कर लूँ। एक्चुअली बैकअप भी चेक करूँगा, जैसे हम लोग रेस राइड करते हैं ना बाइक वगैरह चलाते हैं, उस तरह से चलाने पे ना क्या बैकअप मिल रहा है इसका, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कुछ दिन बाद। आज के व्लॉग को बस यहीं पैंड अप करते हैं गाइज, और बस मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, चुस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।